अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लो, हम भैया के साथ जाकर अपना पुश्तैनी जेवर गिरवी रखकर और नया बेचकर लेकर आए हैं। अब यही है हमारे पास जो हम पहन के रखे हैं। तो एक बात याद रखना कि हमको हमारा पैसा वापस चाहिए। माँ, आप एक बार शालू जी के बारे में फिर सोच लीजिए। उनका काम करना हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये मत भूलो कि हम फैसला बहू के ऊपर छोड़े थे। हम अपना वादा निभाए हैं। अब वादा निभाने का बारी तुमरा है। अब तुम जल्दी से जल्दी बहू का नाम कंपनी से अलग करो और ये सब कागज पर होना चाहिए और कागज हमारे सामने। इतना आसान नहीं होता है माँ, कागज बदलने में वक्त जाता है और वैसे भी जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हम तो सुने थे कि बहू कागज पत्र के काम में बहुत होशियार है। अरे कर लेगी सब। तब तक तुम जाओ और जाकर के ये पैसा बैंक में जमा करो। जब तक तुम वापस आएगा ना, तब तक बहू कंप्यूटर पे बैठ के सब कागज पत्र तैयार कर लेगी। माँ, इतनी जल्दी क्या है आपको? जल्दी है मधुश्रावणी पूजा खत्म होते होते हम इस घर में बहू चाहते, बिजनेसमैन नहीं। विशेष जी, माँ जी सही कह रही है। आप बैंक जाके पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, तब तक हम कंपनी से अपने पार्टनरशिप अलग करने के पेपर रेडी करते हैं। ठीक है, हम बैंक होकर आते हैं, फिर आपके घर चलते हैं पूजा के लिए। लो, दीदी ने ये गलत फैसला लिया है। अरे किसी के कहने पर किसी भी लड़की को अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। कितने दिन मुंह फुलाती निर्मला जी, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और फिर विशेष जीजू तो थे ना दीदी के साथ। दीदी ने ये गलत फैसला लिया है। सही कह रही हो बुलबुलिया। मियाँ बीबी राजी तो का करेगा काजी, कितने दिन मुंह फुलावल चलता, 1-8 महीने में ठीक हो जाता। अम्मा जी, आप तो सालू का स्वभाव जानती है ना, वो किसी को भी निराश नहीं करना चाहती। शायद इसीलिए उसने ये फैसला लिया है। और हमें अपनी सालू पर पूरा भरोसा भी है। वो ना तो अपने घर को बिगड़ने देगी और ना ही विशेष जी के काम को। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, जब सालू ने निर्मला जी की शर्त मंजूर कर ली तो फिर निर्मला जी ने अचानक से विशेष और सालू को घर का ही बुला लिया। मालकिन हम का सोच रहे हैं कि ये 50 लाख बैंक में जमा कर देते हैं, यह घर में रखना ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा करते हैं, मां जी को कपड़े देकर आते, बाकी का काम बाद में कर लेंगे। करा दीजिएगा बैंक में जमा, पर अभी तो बैग में रखिए। अरे कभी तो दिमाग से काम लीजिए आप। आपको तो आदत है, यहाँ पे हरा हरा देखते हैं ना पूछ पटकने लगते। वो तो हमारा दिमाग से हम गया हुआ धन वापस ले आए और उस नकचड़ी बहू का नाक भी नीचा कर दिए। आपने ये खेल खेला कैसे? कभी कभी अपनों से ज्यादा पराए काम आ जाते हैं। वो अपना विशेष वो तो जाके मिल गया सालू के साथ। ललिता जी है ना, वो हमारे काम आई। हम जाके ललिता जी से मिल गए
और फिर हम दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया। और देखिए अपना पैसा भी वापस आ गया और सालू के सर पे इल्जाम भी। अच्छा अच्छा खेल तो ललिता जी का ही था, हमने सिर्फ साथ दिया है उसका है? लेकिन फायदा तो अपना ही हुआ ना। लेकिन अब बाकी बात बाद में कीजिएगा, अभी पैसा रखिए, सालू घर में ही है। यकीन नहीं होता माँ जी हमें गिराने के लिए इस हद तक गिर सकती है। जल्दी जल्दी अंदर रखिए। तो कोई नहीं है, फिर फूलदान गिरा कैसे? शायद हवा से गिर गया होगा या फिर बिल्ली बिल्ली की वजह से, गिरने की वजह से भाग गई होगी। हम देख के आते हैं। ये तो यहाँ काम में फंसी हुई है, मतलब पांडे जी सही बोल रहे थे, बिल्ली बिल्ली आई होगी। रही हो बहू? माँ जी जब तक विशेष जी लौट के नहीं आते तो हमने सोचा उनके कपड़े लगा लें। हाँ अच्छा है, घर की बहू गृहस्थी के बारे में सोचे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कागज तैयार कर लिए तुमने? हाँ जी कर लिए, एक बार विशेष जी देख लें तो उसके बाद प्रिंट निकाल के साइन भी कर लेंगे। ठीक है। ललिता जी हमारे घर के पीछे पड़ी है ये तो हम जानते हैं, लेकिन माँ जी ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो सब इसलिए कर रही है ताकि वो हमें परेशान कर सके, या क्या कोई और वजह है? हमें विशेष जी को ये बताना चाहिए। क्यों शालू जी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, आपका बैंक का काम हो गया? हाँ वो तो हो गया। अच्छा शालू जी हमें अभी निकलना चाहिए, वो आपके फैमिली वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी ठीक है, तो हम आपको बता के आते हैं कि हम आपको छोड़ने जा रहे हैं। मैंने बुलबुलिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है कुश्ती सेंटर की, किसी त्रिपाठी की जमीन पे उसने अखाड़ा खोला अपना और वही उसके सेंटर में पैसा भी लगा रहा है। ये त्रिपाठी डैड के पुराने जानने वालों में से एक है और डैड के कहने पर ही उसने अपनी जमीन बुलबुलिया को रेंट पर दी है। अच्छा तो तुम्हारे डैड ने अब उन सबके सर पर हाथ रखना शुरू कर दिया है। तुम्हारे डैड ये नहीं जानते कि जो उनकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएगा हम उनका हाथ ही काट देंगे। तुम एक काम करो, त्रिपाठी के पास अपने आदमी को भेजो और उससे कहो कि बुलबुलिया से जमीन वापस ले ले, उसके बदले में उसे जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दो, अगर वो नहीं माने तो जमीन को खरीद लो विकी। हमें हर हाल में उस जमीन पे कब्जा हमारा चाहिए। हो जाएगा माम। और एक बात ध्यान रखना, इस बार तुम्हारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। ओके। लाली हमको तो लगता है कि ना कि हमको ना अभी से पार्टी का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। काहे कि देखो एक तरफ से तुम ना उस शालू को नौकरी छुड़ा के ना किचन का छिपकली बना दिया और दूसरा तरफ ना वो बुलबुलिया का बाती जलाने से पहले ही ना उसको गुल करने का इंतजाम कर दिया।
इस पे पार्टी बनता है ना? अरे मेरी माँ, इस बार पार्टी नहीं होगी, इस बार जलसा होगा, जलसा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।